प्रहलाद जी को पर्वत की चोटी से नीचे फेंक दिया और इधर प्रहलाद जी नीचे गिरते चले आ रहे हैं, गिरते चले आ रहे हैं, लेकिन चिंता प्रहलाद जी को नहीं हो रही, चिंता हमारे नारायण को हो रही है। उसी समय श्री हरि वहां पहुंचे, अपनी दोनों भुजाओं को फैलाया और प्रहलाद जी उनकी भुजाओं में आकर विराजमान हो जाते हैं और आज नारायण ने अपने भक्त की रक्षा की, उसके प्राणों को संकट से बचा लिया। वो संग में हर रंग में है, करना कैसा, भगवान बचाने वाले हैं तो डरना 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 कैसा। जब हमारी आत्मा प्रभु प्रेम के रंग में रंग जाएगी तब सही अर्थों में हमारे जीवन में होली होगी। इसलिए जरूरत है ऐसे रंगरेज गुरु की जो हमारी जीवात्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ दे, उसका दर्शन करवा के हमारी आत्मा को भक्ति के उस मजीठ रंग में रंग दे, तब सही अर्थों में हमारे जीवन में होली होगी और उसके बाद हम इस पावन पवित्र त्योहार की दिव्यता को बरकरार रख सकते हैं। होली खेले ब्रिज में काना, हाथ में लेकर पिचकारी, होली खेले ब्रिज में काना, हाथ में लेकर पिचकारी, होली खेले ब्रिज में काना, हाथ में लेकर पिचकारी, होली खेले ब्रिज में काना, हाथ में लेकर पिचकारी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान केवल कथा कहानियां नहीं सुनाती है, इसके पीछे जो सार तत्व है उसको भी ग्रहण करना। आप इसे बहुत सारे लोगों ने कहा ये पहला संस्थान है, आज तक तो किसी ने नहीं कहा ईश्वर देखा जा सकता है, इतनी आयु हो गई है, 70 साल के, 60 साल के, 35 साल के हो गए, हमने तो आज तक नहीं सुना। नहीं सुना तो आज सुनिए, आज भी कहेंगे, आने वाले दिनों में भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान बार बार इस मंच से कहेगी कि ईश्वर है और उसे देखा जा सकता है, वो भी अपने इसी घट के अंदर, इसी शरीर के अंदर, और इसके प्रमाण हम आपको देकर जाएंगे। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, दिव्य मिशन महा।